मतलब यहाँ ये सात स्थानों में भगवान का घर, जहाँ भगवान रहते हैं, जैसे उनका नाम पूरी है, उसका एक नाम है श्री लीला जलक्षेत्र। वो जो जगन्नाथ पुरी है वो एक नीलगिरि पर्वत मंदिर में वहां पर बैठा हुआ है। इसलिए जहाँ पर अब तो पूरी गए हैं, जब जगन्नाथ पुरी में अभी बार सेवा करना चाहेंगे, जब जगन्नाथ के मंदिर में जाओगे वहां पर एक अक्षय बैठे, कहते जिस अक्षय बैठ को पर बैठ गए थे तार घूमेंगी, वो भगवान राम की कथा सुनाते हैं और वहां पर सबके सब बैठ कर कथा सुनते हैं। वो जो वृक्ष में जाओगे उसका नाम अक्षय बट है, वो बट वृक्ष है। कर जब विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाए, लेकिन वो कभी वो पेड़ कभी डूबेगा नहीं, वो पेड़ कभी डूबेगा नहीं। पूरे विश्व ब्रह्मांड अगर प्रलय भी हो जाए है, इसलिए वो कभी नहीं डूबता है। और जब विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाता है, उसी समय में भगवान एक बट पत्ते के ऊपर में वहीं पर लेट रहते हैं। इसलिए मार्कंड ऋषि भगवान से प्रार्थना किया था प्रलय देखने के लिए। जब देखा सारा विश्व ब्रह्मांड प्रलय प्राणी हो गया, लेकिन डूबते तैरते हुए जब जगन्नाथपुरी में गए, देखा ठाकुर जी बट्टे पत्ते के ऊपर में ठाकुर जी लेट हुए हैं और अपना अंगूठा को चूस रहे थे। बोले अंगूठा क्यों चूस रहे थे? अपना प्यार थे। बोले मेरे अंगूठा में इसे क्या रस है? हम ठाकुर के चरणामृत लेते हैं ना, चरणामृत दुनिया मेरे चरणामृत लेते हैं, इसलिए कहते चरण अमृत, चरण उनकी अमृत है। ठाकुर जी सोचते हैं दुनिया तो मेरे चरणामृत लेते हैं, एक बार मैं भी अपना अंगूठा का चूस करके देखता हूँ उसमें क्या है। कहते अगर सबके सामने भक्त तो घिरे रहते हैं, अगर मैं अपना चरण के अंगूठा चूसूँ दुनिया में, लेकिन देखो ठाकुर जी कैसे अपना अंगूठा कैसे चूस रहे हैं, बदनामी है। बोले जब कोई नहीं रहेगा ना, फिर एकांत में मैं अपना अंगूठा चूसूंगा। जब विश्व ब्रह्मांड में प्रलय हो गया, सारा दुनिया पानी पानी में प्रलय हो गया, कुछ नहीं रहा, मार्कंडेय ऋषि हैं पानी में डूबते तैरते हो, जब जगन्नाथपुरी में देखा, देखा ठाकुर जी अपना अंगूठा चूस रहे। बोले ठाकुर जी अब अपना अंगूठा चूस क्यों रहे? बोले तू कहाँ से आ गया? मैं सोच रहा था कोई है नहीं एकांत में अंगूठा चूस कर, तू कहाँ से आ गया? इसलिए कहते श्री जगन्नाथपुरी की इतने महत्व, इतने महत्व, कहते वहाँ पर जो इंसान हैं देवता लोग उनको इंसान रूप में देख नहीं देखते, वो देखते हैं सबके सब चार हाथ वाले। कितने हाथ वाले? सब चतुर्भुजधारी नारायण का जैसे भक्त होते हैं ना, सब देवता लोग देखते हैं सबके सब वो चतुर्भुजधारी श्री नारायण स्वरूप रूप में उनको दर्शन करते हैं। कहते वहाँ पर एक गधा भी है, कहते वहाँ पर कि इतने एक गधा भी क्यों नहीं हो, उनको भी देवता लोग देखते हैं ये चार हाथ वाले, एक गधे क्यों नहीं हो, ऐसे उनको चार हाथ रूप में दर्शन करते हैं। कहते वहाँ पर कहते जो मछली खाते हैं ना पाप लगता है, मांस खाने पर पाप लगता है, लेकिन जो जगन्नाथपुर में उसको खाने पर भी पाप नहीं लगता है, वहाँ पर उनको पाप नहीं लगता है वहाँ पर। वो धाम कितने प्रभाव, अब लोग जगन्नाथपुरी तो गए ही नहीं, एक भुवनेश्वर आता है, कौन कौन गए जगन्नाथपुरी? जब भुवनेश्वर आता है वहाँ से 60 किलोमीटर दूर श्री जगन्नाथपुरी, जब भुवनेश्वर मतलब वहाँ शिवलिंग गए विशाल, उसका नाम लिंगराज, इतने बड़े शिवलिंग है पूरा हैं, एक शिवलिंग में करोड़ों शिवलिंग। जब वहीं से कोई व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ाता है, बोले एक कदम जब जगन्नाथपुरी के लिए आगे बढ़ाता है, बोले 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोले अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करे उसको स्वर्ग का इंद्र बन जाता है, स्वर्ग का इंद्र बन जाता है। लेकिन वहाँ जब एक कदम आगे बढ़ाता है, कहते 100 अश्वमेध यज्ञ का उसको फल प्राप्त होता है, 100 अश्वमेध यज्ञ का, केवल एक कदम जब केवल आगे बढ़ाता है, हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी की शंकर जी स्वयं कहते हैं है? पार्वती को, और जगन्नाथ जी स्वयं कहते हैं शंकर जी को, बोले शंकर जी ये मेरी गुप्त स्थान है, मैं तेरे को इसका महत्व बता रहा हूँ, मैं हर समय जगन्नाथपुरी में रहा करता हूँ। और जो रसोई बनाती है ना माँ लक्ष्मी स्वयं रसोई बनाती है, दूसरों का हाथ में जगन्नाथ जी नहीं खाते। जैसे घर का जो पति किसका हाथ में खाते हैं, घर का पति किसका हाथ में खाती है, पत्नी को हाथ में। इसलिए श्री जगन्नाथ भी अपना लक्ष्मी को हाथ में ही भोजन करते हैं। और वहाँ पर एक आश्चर्य बात, कभी जाओगे देखोगे
जैसे एक मिट्टी का वहाँ पर जो रसोई बनेगा मिट्टी के पात्र में और किसी चीज़ में नहीं बनेगी, कुएं का पानी मिट्टी का पात्र और लकड़ी से, गैस से वहाँ अलाव नहीं है, इसलिए उसका एक अलग स्वाद है, उसकी एक अलग स्वाद है। पहले लकड़ी में घर में रसोई बनाते थे ना, गैस नहीं होता था, मिट्टी का पात्र होता था। कौन कौन मिट्टी के पात्र में रसोई बनाया, हाथ होता है उसमें, और मिट्टी के पात्र के सिवा कुछ होता ही नहीं है, इसलिए। और मिट्टी के पात्र लकड़ी से कोई चीज़ बने ना, इसके स्वाद ही अलग है, अलग स्वाद। जब जगन्नाथ जी की भोग लगता है, आश्चर्य बात देखोगे, जब तक जगन्नाथ जी को भोग नहीं लगता है तब तक वो दाल भात सब्जी में कोई सुगंध नहीं आएगा, लेकिन केवल जगन्नाथ जी को भोग जब लग जाएगा ना, कैसे भोग लगता है कैसे नहीं, वहाँ के शीशा रख लेते हैं, वो शीशा में जगन्नाथ जी का परछाई अपने आप पड़ेगा, तभी जगन्नाथ जी को तुलसी दल से भोग लगेगा। अगर वहाँ पर जगन्नाथ जी की परछाई नहीं पड़ेगा ना, समझ पाएंगे ये सब बेकार है, यह चीज सही नहीं बनी, वो हजार हजार रुपया की जो खाना उसको गाड़ देते हैं, वहाँ उसको गाड़ देते हैं, वहाँ पर नियम है कोई नहीं खाते हैं भगवान के भोग बगैर। इसलिए वहाँ पर जब जगन्नाथ जी को केवल भोग लग जाएगा, अगर बड़ी दूर से अगर जगन्नाथ जी का प्रसाद जाता हुआ, बड़ी दूर से अगर वहाँ से हवा उस तरफ में आता हो ना, बड़ी दूर से उसकी एक अलग खुशबू है, वो चावल के एक अलग खुशबू है, वो दाल के एक अलग खुशबू है। अब सारा दुनिया में जितने बनाओ, लेकिन ऐसे टेस्ट किसी चीज़ में नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ स्वयं लक्ष्मी बनाती हैं और चूल्हा बना हुआ है। हमारे साथ में कौन जगन्नाथ बन गए, जैसे रथ यात्रा के समय हमारे साथ में गए थे, देखा जैसे हम लोग एक दिन पहले जाते हैं ना, वो मंदिर साफ करते हैं गुंडीचा मंदिर, और चूल्हे को हम जा करके धो धा कर साफ करते देखे होंगे, आप देखो कि कैसे चूल्हा कैसे बना हुआ है, हैं एक साथ में तीन चार मटकी रख लेते हैं और एक मटकी के ऊपर दूसरे मटकी रख लेते हैं, लेकिन जब नीचे मटकी में रसोई बनती है वो ऊपर जो मटकी दो तीन रखा हुआ है वो अपने आप पक जाती है, एक आश्चर्य घटना है। वो मटकी ऊपर मटकी रख लेते हैं तो सबसे ऊपर मटकी अपने आप पक जाएगा, हैं अपने आप पकेगा ऊपर मटकी, एक आश्चर्य बात। जगन्नाथ जी के अद्भुत ये, जगन्नाथ जी के अद्भुत महिमा से जगन्नाथ जी कहते रहती है, इसलिए जगन्नाथपुरी की बड़ी बड़ी महिमा। कहते वहाँ प्रवेश करने का बाद कहते फिर जीव इस संसार में दो बार जन्म लेना नहीं पड़ता, बड़ा महत्व है। और हमारे उड़ीसा के ये प्रभु जी है, ये भी थोड़ी सी जगन्नाथ जी के बारे में कुछ बताएंगे, हमारे श्री श्रीकांत प्रभु नागपुर। ओम अज्ञान विमुक्ति दायक डॉक्टर से उसका तेज काम कर ृपाशिंदुभवतानंताभ्यो वैष्णवभ्यो नम। प्रथम अस्मदात्र श्री श्रीमश्री भक्तिवेदांत तीर्थकृष्णा श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज का आचरण कमल में शास्त्रार्थ कर उपस्थित वैष्णव वैष्णवी छोटे बड़ो भाई बहे माँ सबका चरण के अभव का दंडों के स्वीकार गुजरा आदेश थोड़ा भगवान का भाव नहीं बताने के लिए, भगवान का भाव तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरे को इतना ज्ञान नहीं है। जो गुरु वैष्णव का मुख से श्रवण किया हूँ उसमें से जितना स्वर्ण आएगा उसमें से थोड़ी से कुछ बोलूँगा। एक छोटी सी कहानी है, शास्त्रों में बता गया, एक बार नारद जी ने अपना भक्त का भगवान भगवान का जो प्रिय भक्त सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है उनका नाम विख्यात कराने के लिए जाकर के स्वर्ग में पहुंचे इंद्र के पास। जब इंद्र के पास पहुंचे इंद्र का गुणगान खुल गया, आप जैसा प्रिय भक्त संसार में कोई नहीं है, किंतु गुरु जी बोलते हैं जिस आम का पेड़ में
जिसमें कहने में बहुत सारा आम लग गया और अपना कहने छूट गया। जिसका पास भक्ति हो गया वो बोलता है भक्ति क्या, मैं तो भाव ही जानता है। उसी प्रकार इंद्र ने मना कर दिया, मैंने भक्ति जानता है। अरे ब्रह्मा के पास जाओ, भक्ति देखो। ब्रह्मा के पास पहुंच के नाराज ब्रह्मा उसी प्रकार मना किया। ब्रह्मा से फिर चला के शंकर के पास, शंकर मना किया, चला के प्रह्लाद के पास, प्रह्लाद जी ने मना किया, चला के हनुमान के पास, हनुमान ने मना किया, पहुँच के पांडव के पास। पांडव ने बताया हम क्या भक्ति करते, जाओ द्वारका पहुँच देखो। द्वारका में जो भगवान का भक्त है उससे प्रिय भक्त कोई संसार में नहीं है, क्योंकि भगवान का भक्ति पात्र होता है। शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर रस, मधुर रस का प्रिय भक्त सर्वश्रेष्ठ द्वारका में। 16108 नानी शादी किया भगवान ने, संपूर्ण शरीर से संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा करते द्वारका मानी से। इसी बाबत सुनकर के नारद जी ने द्वारका पहुंचे। जब नारद जी ने द्वारका पहुंचे, द्वारका वासियों का गुणगान किया, आप जैसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हो पृथ्वी में कोई नहीं मिलेगा। मैं सब जगह घूम गया कि तू द्वारका वासियों जो महिष हो बताया है नारद जी, हमको झूठ मूठ क्यों बदनाम करते, हम कौन सा भक्ति जानते हैं, हम तो भक्ति करने के लिए कोशिश करते किंतु हमारा द्वारा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हम तो भक्ति करते शादी तो किया कृष्ण को, कृष्ण तो हमारे पास रहते हैं किंतु जब आते हमारे पास बोलते हे राधे, हे कहते, हे विशाखे, हे चंद्रवलते, इधर आ जाओ। हम नाम कभी सुना नहीं, राधा रानी का नाम, राधा कौन है, चंपकलता कौन है, विशाखा कौन है, दुर्गुदित्या कौन है, हमारा कपड़ा खींचते राधा का नाम लेते, हम जानते नहीं राधा कौन है, शायद कोई है प्रिय भक्त। उसी समय जब रोहिणी देवा ने उसी जगह पर पहुंचा, पूछा रोहिणी माँ ब्रज का वाद्य भी जानते, क्योंकि रोहिणी माँ ब्रज में भी जाना आना करते थे बचपन में, भगवान तो कृष्ण वाद्य लिया करते थे। रोहिणी माँ को पूछा गया राधा और ललिता विशाखा कौन है, हमको थोड़ा बताओ। रोहिणी माँ ने बताया राधा, उसी का बात सुनने से ना एक कृष्ण बलराम को आओ मिलेगा यहाँ, वो भाग जाएंगे द्वारका से छोड़ कर वृंदावन। बताया क्यों, कृष्ण को सुनने देंगे नहीं हम लोग, हमारा बहुत बड़ा हॉल है, हॉल का कुंडी बंद कर देंगे, उसी अंदर बैठ जाके तथा श्रवण कर लेंगे, बाई चांस आ जाएगा तो गेट के पास हम नीचे बैठा देंगे, सुभद्रा को गेट के पास खड़ा हो जाएगा सुभद्रा, बाई चांस आएंगे तो उसको सुभद्रा रोक देगा। हमको थोड़ा ब्रज का कथा सुना। जब इसी प्रकार बात हुआ, दरभंगा कुंडी बंद करा गया, द्वारका का जो 16108 रानियों बैठे गए मनुष्यों श्रोता रूप में कथा श्रवण करने के लिए, रोहिणी माता ने कथा श्रवण कराया। उसी समय जो बोलने से आ थे भगवान कृष्ण ने मथुरा में प्रकट हुआ, गोकुल में जन्म लिया, जन्म होकर के किसी प्रकार क्या क्या लीला किया बोलने जा रही थी, उसी समय हठात जो कंस का मां ने पद्मा आकर उस स्थान पर पहुंचा। पद्मा ने बोली अरे कृष्ण का बात क्या बोल रही हो, मैं बोलती हूँ सुन। तो पद्मा ने बोला कृष्ण को वसुदेव महाराज ने कंस का भय से गोकुल में छोड़ दिया, क्योंकि कंस इतना प्रतापी था उसी का नाम सुनने से सब कांपने लगते थे। कृष्ण का जो कंस का भय से
भगवान कृष्ण को छोड़ दिया गोकुल में, गोकुल में तो छोड़ दिया, प्राण रक्षा के लिए ज़्यादा महंगा हो गया, क्योंकि नंदरंग ने खाने के लिए दे नहीं पाया पाँच साल बच्चा को, कितना पाँच साल बच्चा खाएगा, थोड़ी से खाएगा, इतना थोड़ी से भी दे नहीं पाया, इसलिए चोरी करने के लिए घर घर कृष्ण घूम रहे थे। इतना भी नहीं, उसको कभी कभी जसोदा माँ ने कान पकड़ के चाटक लगाया, नाठिया लेकर के पिटाई किया, दुष्ट व्यक्ति गोपियों जो ब्रजवासियों इतना द्रुत है पृथ्वी में कोई नहीं मिलेगा, अरे पाँच साल बच्चा को खेलना कूदना बच्चा समय पढ़ाई करना उनका कर्तव्य है, उनको जंगल में भेजा गया गोचारण करने के लिए, इतना द्रुत बदमाश है गोपियों। जब इसी प्रकार बोली भोली माँ ने बताया, तू कौन सा सतीत्व बता रहे हो, तेरा क्या सतीत्व है, तू गोपियों को बदनाम कर रहे हो, गोपियों क्या खराब है, तो उग्रसेन का पत्नी है किंतु तेरा बच्चा हुआ एक राक्षस है, तू यहाँ पर सतीत्व दिखा रहे हो। जो इसी प्रकार बात बोली वो पद्मा ने वहाँ से शर्म के मारे भाग दी। उसके बाद भगवान का कथा रोहिणी माँ ने सुनाने लगे, जब भगवान का कथा सुनाया, भगवान ने एक दिन नारद को बताया था, वहाँ पर लिखा है श्लोक साहिब, ना अहम वसान वैकुंठे जोगिनाम हृदय न च मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैंने वैकुंठ में नहीं रहता, जोगियों का हृदय में नहीं रहता, मैं तो मेरा जिस जगह में मेरा भक्त बना मेरा गुणगान करते हैं मैं उसी स्थान में रहता हूँ। जब वो भगवान का गुणगान दरबार कुंडी बंद करने पर भी हो रहा था, भगवान का कान में उसे आवाज पड़ा, उसी समय सुधर्मा सभा में भगवान कृष्ण बलराम द्वारका का कुछ मुखियों का पार्षद बैठे हुए थे, सुधर्मा सभा में कुछ आलोचना बात चल रहा था, किंतु एक बात जब वो भगवान का कथा भगवान का कान में घुसा, भगवान रह नहीं पाए, उसे ज्यादा छोड़ करके भागने लगे, जिसी में कथा हो रहा था उसी हॉल में आकर देखा, नीचे गौशाला में कुंडी गौ सुभद्रा बैठी हुई, बोला कहाँ जा रहे हो, रुको ही पर अंदर, यहाँ पर लिखा शायद होगा कुछ दिन पहले लिखा था अंदर औरत जाना बना है, वहाँ पर लिखा हुआ था अंदर पुरुष देना बना है, अंदर औरत लोग सेवा करते कथा श्रवण करते, जसोदा रोहिणी माँ का आदेश है अंदर कोई पुरुष जा नहीं सकता। ये क्या बात है भाई, हम भी थोड़ा कथा सुन लेंगे, तो भगवान का कथा हो रहा है हमको सुन लेंगे, लेकिन क्यों मना कर रहे हो, नहीं जा नहीं सकते, माता जी मना किया, रुके वहाँ पर दरवाजा के पास कान लगा करके भगवान का कथा श्रवण किया, भगवान खुद भगवान का कथा श्रवण किया। रोहिणी माँ ने वहाँ पर बताया, सुना जो भगवान कृष्ण है द्वारका में, जब वो मथुरा से प्रकट होकर के गोकुल में गए हुए, गोकुल में गोपियों का माखन चोरी का जो लीला बताया वो सत्य है, किंतु माखन नहीं चोरी करते थे, माखन मतलब जिसी का हृदय माखन से भी कोमल उसी का हृदय को चोरी करने के लिए जाते थे, क्योंकि भगवान चोरी करते किसी का हृदय को चोरी करते, जिसी का हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद माच्छज्य है नहीं उसी का हृदय को चोरी करते, हमारा उसी प्रकार हृदय किसी का है, बड़ा बड़ा जो संत है संतालोक का हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद माच्छज्य कुछ भी नहीं होता, हमारा तो अंदर तक भरपूर है, हमारा अंदर में भगवान क्या आएंगे चोरी करने के लिए, सबसे श्रेष्ठ गोपी हैं, गोपियों सर्वश्रेष्ठ भक्त है, गोपियों का हृदय चोरी करने के लिए ही भगवान जाते थे, माखन चोरी करते थे। एवं वहाँ पर क्या सुंदर कथा है, जो गुरुजी बोलते मैं नहीं माखन खाया, उसी बहुत सुंदर कथा है, माखन चोरी लीला भी बहुत सुंदर सुंदर लीला है, जो भगवान गोपियों का हृदय को चोरी करने के लिए जाते थे, तथी नहीं हमारा तो शायद बल्लभाचार्य लिखा नवनीत चोर, उसमें भगवान जाते केवल जन्म जन्म का पाप चोरी करने के लिए, हृदय को चोरी करने के लिए, हमारे जैसा व्यक्ति को थोड़ी आएंगे भगवान,
जो प्रिय भक्त है भगवान का, उनका हृदय को चोरी करने के लिए ही गोपियों का घर घर जाते थे माखन चोरी करने के लिए। और एक दिन का बात है, भगवान बताया 5 साल का बालक बताया, मेरे को हमारा वंश परंपरा में है गोचार, लेकिन हम लोग ग्वाला है, गाय को खिलाना पिलाना हमारा कर्तव्य है, मैं भी गोचारना करने के लिए जंगल जाऊंगा और मेरे लिए एक नाठिया व्यवस्था कर दे। नंदलाला बताया घर गोचारना करने के लिए हमारा घर पर क्या नौकर अभाव है, तू 5 साल का बच्चा जाओगे गोचारने करने के लिए, ये नहीं हो सकता। नहीं मैं बताऊंगा, गुरु जी बोलते ना चार हट है, बाल हट स्त्री हट और बालक जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा, नहीं तो नीचे कपड़ा खराब होकर अपने लेट जाएंगे, गोबर मिट्टी कोई देखेंगे नहीं। भगवान का जो रिझ गए, जसोदा माँ ने बताया ठीक है बेटा गोचारण करने के लिए जाओ, किंतु एक खड़ो पहन के ले जाओ, रास्ता में बहुत सारा कांटा है, कांटा चुभ जाएगा, हमारा वैसे बहुत सुंदर उसमें भजन है, बताया कांटा चुभ जाएगा, खड़ो पहन कर जाओ, एक छाता लेके जाओ, धूप आएगा बारिश होगा। भगवान ने बताया देखो हम लोग तो ग्वाला है, हमारा सर्वश्रेष्ठ पूज्य है गो माता, देखो इसमें भगवान जो गो माता को सर्वश्रेष्ठ मानते, गो माता को सेवा करने के लिए पूजा करने के लिए बोलते, हम लोग भी सब लोग कोशिश करना चाहिए गो माता को सेवा पूजा करने के लिए जितना हो सकता। हम लोग तो बचपन में जो घर घर सबका घर में गाय रहते था, हमारे घर पर भी गाय था, मैं कुछ थोड़ा सेवा किया, हमारा जाकर में उड़ीसा में गाय देते थे, जिसका घर में ना गाय है नहीं उसको गाय देते थे, तो गाय नहीं रखे वो, आजकल तो गाय को भगा दिया घर से, कुत्ता रख दिया घर में, पता नहीं क्या मिलता है। गो सेवा करना चाहिए, भगवान ने खुद बताया बताया माँ मेरे लिए खड़ो लेके आओगे, एक छतरी लेके आने के लिए बोल रहे हो, जितना गाय है सबके लिए चार चार एक खड़ो एक एक छत्ता बना दे, उनको भी तो कांटा चुभ जाएगा, उनके लिए भी बना दे खड़ो। जसोदा माँ बोली इतना छोटा था बच्चा कैसे बात कर ले, भगवान जैसे हो गोचारणा करने के लिए जा रहे थे, जब भोजन करने के लिए गोचारण के लिए जाएंगे एक जगह बैठ करके सब सौखाओं साथ बैठ करके भोजन करते थे, जब भोजन करने के लिए जाते थे वहीं पर सखाओं अपना अपना घर से कुछ कुछ लेकर के जाते थे, कृष्णा बैठते थे बीच में, चारों तरफ सखाओं, खाना समय कोई बोलता था हमारा घर से मट्ठा लेके आया, कोई बोलता था बैगन का पकड़ा लाया, कोई बोलता है रायता लाया, कोई बोलता है मैं करी लाया, भगवान तो इतना रिझ जाते थे। गुरु जी कई बार बताया सुना आप लोग, कभी झूठा भी नहीं मानते थे, जो ब्रजवासियों का इतना प्रेम था सखाओं का, वो कभी कभी पेड़ का ऊपर चढ़ते थे आम तोड़ते थे, बोलते कृष्ण को दे दो, पहले सोचता हूँ कैसे कृष्ण को दे दूँ, सौबरी जैसा टेस्ट किया था पहले भगवान राम को खिलाया था, मैं थोड़ा टेस्ट कर लूँ, खट्टा होगा तो कृष्ण कैसे खाएंगे, आम को पहले थोड़ी से खा लेता, खा कर वाह बहुत स्वादिष्ट आम, नीचे वाला को दे देता, ले भाई कृष्ण को दे दे, नीचे वाला थोड़ी से खा लेता, तू अकेला खा दे मैं थोड़ा खा लूँ कैसा टेस्ट है। उसी प्रकार खाते खाते भगवान का कृष्ण के पास जब पहुँचता उसमें आम नहीं होता केवल गुठली, क्या प्रेम है, भगवान नहीं मानते थे ब्रजवासियों, भगवान को अपना सखा मानते थे, बोलते थे हे कृष्ण थोड़ा सा आम खा ले, जो हम लोग का जैसा व्यक्ति भगवान को भगवान मानते, अपराध क्या होता है क्या क्या बोलते रहते। आज मेरे को कोई नया ने पूछ रहा था ऐसा कुछ ग्रंथ है जिसमें अपराध लिखा है, मैं थोड़ा पढ़ूंगी, कुछ बाहर से 10 लोग आए थे आज दोपहर, मेरे को जो माता जी ने पूछा प्रभु जी कौन सा अपराध ग्रंथ है, मेरे को दो में पढ़ूंगी अपराध क्या है, किंतु भगवान को झूठा खिला लेते ब्रजवासी अपराध सोचते नहीं पाप नहीं सोचते, उसी प्रकार भाव है। आओ थोड़ा आगे बताया कथा, जब उस सखा का बात खत्म हुआ गोपियों का बात बताया, बताया कि क्या गोपी का बात बताऊँ, गोपियों ने भगवान ने बताया जे गीता में जे जथा मम प्रवदन्ते ताम तथे मैं भजाम्य हम, जो व्यक्ति जिसी प्रकार मेरे को भजन करेगा मैं उसी प्रकार उसको देता हूँ,
किंतु भगवान जब रासल्ला करने के लिए बंसी बटन में वृंदावन में बांसुरी बजाया, उसी जगह पर सहस्र करोड़ रुपये आए थे रासल्ला करने के लिए। वहाँ पर भगवान ने कृष्ण ने बताया, हे गोपियों आए तो अच्छा किया, इसी जगह का स्थान मधुर स्थान दर्शन करो, अपना अपना घर पे चलो, क्योंकि जो आप शादीशुदा आपका भी पति है, औरत का कर्तव्य है अपना पति को सर्वश्रेष्ठ मान करके पति सेवा करना। गोपियों ने बताया, तुम सब पति का बात बोल रहे हो, राष्ट्रपति का बात बोल रहे हो ना, जो शादी या पति का बात बोल रहे हो ना, उपपति का बात बोल रहे हो, कौन सा पति का बात बोल रहे हो? भगवान ने बताया, क्यों, जो सर्वश्रेष्ठ पति है उसी का बात में बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति का थोड़ी बात बोल रहा हूँ ना, उपपति का बात बोल रहा हूँ। भगवान ने जब इसी प्रकार बात पूछा, गोपियों ने बताया, तुम्हें वो माता पिता सुविधा, तुम्हें वो माता बंधु ससा, तुम्हें आप तो जगत जगन्नाथ जगतर स्वामी हो। जैसे देखना, जो व्यक्ति पूरी गया, आप लोग सब सुने होंगे देखे होंगे, जब जगन्नाथ मंदिर में जाते सब लोग हाथ उठा कर जगन्नाथ को बोलते जय जगन्नाथ स्वामी, पति भी बोलेगा जय जगन्नाथ स्वामी, पत्नी भी बोलेगा जय जगन्नाथ स्वामी, बच्चा भी बोलेगा जय जगन्नाथ स्वामी। सबका स्वामी है भगवान जगन्नाथ, हम तो सब स्त्री है, भगवान एक पुरुष है। इसे भगवान बताया, गोपियों ने बताया, आप तो सर्वश्रेष्ठ पति हो, ये जितना संसार में है वो तस्वीरी है, आप तो ओरिजिनल हो, आपको छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे। भगवान कभी महाराज किया, वहाँ पर जो गोपियों पसीना थकी जाती थी नाचते नाचते, किसी का पसीना आ गया, पसीना पूछ दिया, किसी का चरण दबाया, जत्था क्योंकि इतना सम्मान किया गोपियों को, अंतिम में बोल दिया, है गोपियों ना पार हम निरपथ समझूगा, मैंने आप जैसा सेवा किया, क्योंकि व्रत में इतना लोक है, देखो जिस दिन भंडारा होता खाने के लिए दे रहे, आलन से कर रहे, ग्रुप में भेजे, तभी भी 100 से ज़्यादा लोग नहीं आ रहे कथा श्रवण करने के लिए, खाने के लिए भी। भगवान ने बताया वहाँ पर, घर छोड़कर के संसार का व्यक्ति जिसमें पति पत्नी परिवार है, सास ससुर को छोड़कर के भगवान का कथा श्रवण कर आना साधारण बात नहीं है, क्योंकि भगवान का कथा श्रवण करना, भगवान साथ मिलना एक ही बात है, साधारण बात नहीं है। आप इतना सारा छोड़ करके मेरा पास आए हो, स्वागतम है महाभागा, आपको स्वागत करता हूँ। बताया, आप जैसा व्यक्ति मैं तो ब्रह्मा का एक दिन का आयु लेने पर भी आपका ऋण कभी नहीं सुन सकता। कितना बड़ा बात बताया गोपियों को, गोपियों कितना श्रेष्ठ बताया। फिर और जो ऊपर की बात बताया राधा रानी का बात, राधा रानी तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, जब भगवान कृष्ण को एक बार कटाक्ष चित्तवन छानी से देखते हैं, बंसी करा लेती तो श्रीखंड भस्तुम प्रतिनिध वसमंत्रजराल सुनो, भगवान का मयूर पुंछ गिर जाता है, हाथ से वंशन गिर जाता है, पिता वसन शरीर से पिता वसन गिर जाता है, खुद मूर्छित हो जाते भगवान का, इतना राधा रानी का स्वरूप सुंदर है। भगवान का राधा रानी का सुंदर स्वरूप, उनका प्रेम माधुर्य अंतिम बहुत ही सुंदर कथा है। बताया जो प्रेम सरोवर में है, जब राधा रानी का एक बार राधा रानी कृष्ण एक जगह में कृष्ण भगवान राधा रानी कृष्ण के गोद में बैठी हुई, प्रेम सरोवर की बात, राधा रानी का इतना प्रेम है, उसी प्रेम में विभोर हो गई राधा रानी। जो कुंती महारानी ने बताया भागवत का श्लोक, नम पंकज नाभाय नम पंकज मालिनी, नम पंकज नाभाय नम नमस्ते पंकज अंगे, आपका हस्त कमल चरण कमल नेत्र कमल कमल पुष्प के साथ तुलना किया। राधा रानी एवं कृष्ण कोई अलग नहीं है, जो जापे राधा छापे कृष्ण है, जो कृष्ण वही राधा है। राधा रानी का शरीर से भी सुगंध निकलता है, पुष्प का सुगंध निकलता है, एक भौरा आकर के उसी पुष्प का सुगंध लेने के लिए राधा रानी का चरण में बार बार बैठी। जब बैठ गई भगवान ने कृष्ण ने देखा तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है हमारा मिलन में, ये भौरा बहुत बाधा दे रहा है। मधुमंगल बताया, है सखा
थोड़ा सा मदद करो, हमारा मिलन में एक भावना बाधा दे रहे, थोड़ी सी उसकी भगा दो। मधु मंगल ने उसकी एक लाठिया लेकर के गया, उसकी जो भगाया, कुछ क्षण के बाद आकर के बताया, हे राधे मैं इतना दूर मधुसूदन को भगा दिया, अब कभी भी इस स्थान में आ नहीं सकता। उसी बात सुनने पर राधारण ने सोचा, जो भगवान का नाम है मधुसूदन, क्योंकि जो मधु नाम का दैत्य को शोधन किया था मथुरा ने, इसीलिए भगवान का नाम मधुसूदन बोला। दूसरा जो एक भौंर है उसी को ही नाम मधुसूदन बोला जाता, क्योंकि जो मधु पुष्प से जो सुंदर सुंदर मधु शोधन करते हैं चुंबन लेकर के, अपना चुंबन द्वारा होठ के द्वारा, इसीलिए उसका नाम भी मधुसूदन बताया। जब ये तो एक अर्थ बताया, मैंने भौंरा को भगा दिया, मधुसूदन को भगा दिया, किंतु राधा ने सोचा कभी भी कृष्ण आएंगे नहीं। कृष्ण का चलते भी गोद में बैठी हुई, किंतु कृष्ण का इतना भाव विष्ट हो गए थे प्रेम में, वो उसी तो मूर्छित हो गई राधा रानी। राधा रानी का मूर्छा देख करके भगवान कृष्ण भी वहीं पर मूर्छित हो गए। जो वहाँ पर सखियों थे, कुछ सखा थे, राधा रानी एवं कृष्ण का दोनों का नाम उच्चारण किया। जब भगवान का नाम और राधा रानी का नाम उच्चारण किया, राधा कृष्ण का नाम सुनते ही भगवान एवं राधा कृष्ण का दोनों का चेतना फिर वापस आया। यही प्रेम जल चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का अंग एवं भाव अंग कांति को दोनों को ग्रहण करके जब कृष्ण स्वयं आए चैतन्य महाप्रभु रूप में, यही बात बताया था। यही बात जब बताया इतना सारा बात, धीरे 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 भगवान जगत जो कृष्ण दरवाजे के पास सुन रहे थे, उनका शरीर पिघलने लगा। इतना प्रेम कथा सुनकर के उनका शरीर पिघल पड़ते, जिसी प्रकार आज स्वरूप देख रहे हो भगवान जगन्नाथ का, उनका आँख कहाँ इतना बड़ा बड़ा हो गया, हाथ कहाँ अंदर घुस गया, पैर अंदर घुस गया, शरीर पूरा विभिन्न हो गया। भगवान कृष्ण को देख करके बड़ा बहुत इसी प्रकार अवस्था हुआ। उनका जो अवस्था देख करके भाई बहन दोनों का जो बीच में सुभद्रा खड़ी थी, इधर देखा हो क्या रहा है। धीरे धीरे सुभद्रा की परिस्थिति उसी प्रकार हो गया। नारद तो घबराहट हो गए। नारद जी ने सोचा था, मैं सोचा था पहले किसी भक्त का सर्वश्रेष्ठ भक्त है कौन, मैं थोड़ा जानने के लिए पृथ्वी में प्रकट कराने के लिए नाम, किंतु मेरा तो अपराध हो गया। भगवान को क्षमा प्रार्थना किया है, भगवान मेरे को क्षमा कर दे, क्योंकि मैंने आपका भक्त का नाम व्याख्यात करने के लिए मैं कोशिश कर रहा था, किंतु शरीर तो आपका विपन्न हो गया, मेरे को क्षमा कर दो, मेरा बहुत अपराध हो गया। भगवान बताया, नहीं तेरा अपराध नहीं हुआ, ये तो मेरा प्रेम का विकार है, क्योंकि मेरा कथा श्रवण करके, मेरा जो भक्त का कथा श्रवण किया, मेरा प्रेम का विकार है, ये सज हो गया। मैं इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ, तू बड़ा मार्ग में बड़ा देना चाहता हूँ। महाराज जी ने खुश हो गया, वो सोचा था मैं तो अपराध हो गया, अब तो बड़ा देने के लिए तैयार है। ठीक है भगवान, यदि आपका बड़ा देने का इच्छा है तो मेरे को एक वर दीजिए। ये जो रूप दर्शन मेरे को करवाया, संपूर्ण जगत को करा दीजिए, क्योंकि शास्त्र में बताया जो भगवान का एक बार दर्शन कर लेगा पुनर्जन्म ना लेते। भगवान का एक बार दर्शन होने से पुनर्बार मातृ गर्भ में आकर के जन्म लेना नहीं पड़ता। इसलिए कृपा करके सारा विश्व ब्रह्मांड को इसी रूप को दर्शन दीजिए। जब बताया तब भगवान ने बताया नारद जी को, हे नारद अब भी नहीं हो सकता, दूंगा दर्शन, किंतु अभी हमारे गुरु जी बता रहे थे पूरी धाम शंख क्षेत्र श्री क्षेत्र अनेक नाम है, मैं उसी पूरी धाम में इसी रूप में दर्शन दूंगा। एक दिन ऐसे परिस्थिति आया, धीरे धीरे गुरु जी कथा बोलते, जैसे किसी प्रकार विद्यापति ने जाकर के वहीं पर भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का तीनों का इसी प्रकार दर्शन हुआ। किंतु आप लोगों को एक दोनों क्या बोला, एक कथा जो हमारा गीति गुच्छा है, गीति गुच्छा में एक चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त बहुत बड़ा श्रेष्ठ भक्त है वासुदेव घोष, उसमें लिखे एक छोटा सा कीर्तन,
जय गौरा श्री कृष्णा श्री जगन्नाथ, जैसे भी हमें सुने हैं कीर्तन में जय गौरा श्री कृष्णा श्री जगन्नाथ, जो जगन्नाथ है वही चैतन्य महाप्रभु है, वही कृष्ण है। किंतु हम लोग देखने के लिए मिलता है, अभी दरवाजा कई बार आप दर्शन किया होगा, यदि याद नहीं होगा दरवाजा खुला जाएगा दर्शन कर सकते हो, याद है तो बता दो। मेरा तो ध्यान है भगवान कृष्ण का केस है, भगवान का कृष्ण का केस है कि नहीं, देखेंगे नहीं आप लोग, चैतन्य महाप्रभु का केस है, जगन्नाथ जी का केस है कहाँ पे हैं। जब वो जो गौरव वही कृष्ण वही जगन्नाथ है, जगन्नाथ का केस देखे हो, देखे हो गया कहाँ, पगड़ी में छुप गए नहीं। ये सुंदर कथा है कि जो जब एक बार की बात है, जब भगवान का विग्रह बन चुका था, मंदिर में विराजमान हो गए, एक बार राजा ने दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचा। देखना कोई बड़ा व्यक्ति जब वो आते हैं, गुरु जी हम बोलते चलो कीर्तन कर जाएंगे, लेके आएंगे उसको सम्मान सहकार लेके आएंगे, कि मंदिर का कोई अच्छा व्यक्ति आए, गुरु जी कथा बोलते हुए कोई व्यक्ति आ जाए, कोई साधु आ जाएंगे भी उनको जयध्वनि देते, गुरु जी कितना सम्मान करते हैं, उसको फूल माला दो, उसको कुर्सी बिठाओ, बोलते कि नहीं। जो राजा आए, राजा ने मंदिर बनवाया था, विग्रह प्रतिष्ठा किया, कितना पंडाल को सर्वश्रेष्ठ पूजा करते, पूजा करने पर भी वो तो नौकर है ना, राजा मंदिर बनाया, जैसे आप लोग मंदिर बना रहे हो, आप तो मालिक हो ना मंदिर का, जो भी जो सेवा करते हैं वो सेवक है, कोई कोई तो सेवक नहीं होता, पैसा देके नौकर रख देते। किंतु जो पंडा ने गया सन्मान लेकर के आया राजा को, बात करते करते जगन्नाथ मंदिर में ले गया, भगवान को दर्शन करवाया, वहाँ से बात करते करते फिर वापस लेने के लिए गेट के पास आ गया। बात करते इतना भाव विभोर हो गया पंडा, पहुँच गया गेट के पास, हठात उसका स्मरण आया, हे भगवान ने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, ये भगवान हमारा मालिक है, राजा मंदिर बनवाया हमको दरमा दे के रखा 200 रुपया पूजा करो, हम तो भाई पूजा करने के लिए आए 200 रुपया लेकर के, राजा ने कुछ दिया ही नहीं, कुछ नहीं दे, हम पिटाई करेगा निकाल लेगा, बोलेगा हम गया था मंदिर में, हमारा मंदिर है, हमको थोड़ा प्रसाद दे नहीं सकता, कुछ नहीं चलना मुद्दा दे नहीं सकता, अरे ठाकुर जी का चरण तुलसी का दे सकता, एक फूल तो दे सकता, कुछ भी दिया नहीं, हम पिटाई करेगा निकाल देगा हम। भय से अपना दिमाग सर फुसलाया, क्या करूँ क्या करूँ, सोचा क्या करूँ। जो भगवान देखे ना जगन्नाथ मंदिर में जो जाते पंडा लगो अपना कान में फूल लगाते, देखे हम लोग एक फूल हटाया वो चुपचाप लिया, महाराज ने किया महाराज जी जगन्नाथ का प्रसादी फूल, राजा ने प्रसादी फूल देखा, प्रणाम किया, सत्सन्मा ने प्रणाम किया, लेकर चला गया घर, रानी को पकड़वा दिया, रानी ये जगन्नाथ का प्रसादी फूल है। रानी ने जब प्रणाम करके इसे किया, देखा है कि बाल है वो भी सफेद है, ये कैसे हो सकता भाई, रानी ने आया गुस्सा, रानी को आया गुस्सा, अरे ये महाराज ये फूल कहाँ से लाया। राजा ने बोला क्यों जगन्नाथ जी का, मैं मंदिर में गया था, पंडा ने दिया, हमारा पंडा ने जो सर्वश्रेष्ठ पूजा करते मंदिर का वो दिया, पुष्प ले जा ले जाओ, ये भगवान का प्रसाद है। रानी ने बताया मंदिर तो विग्रह आप प्रतिष्ठा किया था, मंदिर तो आप बनवाया, विग्रह तो आप बनवाया था विश्वकर्मा को बुला करके, लकड़ी तो वहते वहते समुद्र में आई थी, कौन सा बाल था वो लकड़ी में आओ बना दिया, बोलते हो देखो कितना बाल बाल है। राजा देव देखा, राजा को आया गुस्सा, कितना ध्रुत है पंडा, हमको हमारा बिल्ली हमको क्या, हमारा ना करो, हमको भगवान का प्रसाद फूल बोलता है, खुद का सर से दे दिया फूल, खुद लगाया था खुद का प्रसाद दे दिया, हमको बोला भगवान का प्रसाद दिया। पंडा के पास राजा गुस्सा होकर के आ गया, ओए ये फूल कहाँ से दिया था,
पंडाने बोला ये तो भगवान का प्रसादी फूल है। पंडा भी झूठ नहीं बोला, भगवान का प्रसाद से ही था, भगवान से ले गया तो खुद पहन थी। किंतु आओ भय से बोला नहीं मैंने पहना था, बोला भगवान का प्रसाद ये। देखना जो व्यक्ति कुछ गलती कर देता है वो भी खुद गलती छुपाने के लिए चोर चोरी करेगा भी कभी नहीं बोलेगा मैं नहीं किया, कितना पिटाई हो जाए मैं नहीं किया। पंडा उसी प्रकार एड़ गया, मैंने प्रसादी का प्रसादी फूल दिया भगवान का, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान का प्रसादी फूल दिया। राजा ने गुस्सा हुआ, मैंने काल आऊँगा जगन्नाथ पुनर्वार दर्शन करने के लिए। इसमें जो बाल था फूल में मेरे को उसी बाल देखना है जगन्नाथ का, जगन्नाथ जी कौन सा प्रसाद था मैं देखूँगा। हे भगवान पंडा का तो पानी पानी हो गया शरीर, ये क्या हो रहा है, थोड़ी सी मैं गलती हो गया महाराज साहब से क्षमा प्रार्थना कर देता सबसे अच्छा होता। गुरु जी तो कई बार बोलते जब कुछ गलती हो गया गलती सच्ची बात बोलते मैंने ऐसा किया। यदि एक गलती छुपाने के लिए जाओगे सहस्र गलती हो जाएगा, क्योंकि एक झूठ को बोलने के लिए 50 झूठ बोलना पड़ता है, 50 झूठ बोलना महापाप होता है, पाप तो होगा। पंडा का उसी प्रकार आया भगवान के पास, रात को पशु अंदर शरण हो जाता हो गया, हे भगवान मेरे को बचा लो, मरना है आप टालना है आप। जब वो संपूर्ण शरणागति हो गया भक्ति विनोद ठाकुर बतया शरण शरणागति भई वे जहार तहार प्रार्थना सुने सिंह वचन। भगवान ने का जो व्यक्ति संपूर्ण शरणागति हो जाते हैं उनका भगवान उनका बात भी सुनते हैं, हमारा जैसा व्यक्ति का बात नहीं सुनेंगे। जब वो संपूर्ण शरणागति हो गया उसका तो मन था राजा आएगा हमारा तो बन जाएगा काम, जेल हो सकता फांसी भी हो सकता सूली भी हो सकता कुछ भी होगा, जैसे भगवान की इच्छा। भगवान ने मारे हरे रखे थे, रखे हरे मारे थे, जाके रखे साइना कोई। भगवान के पास शरणागत हो गया, मंदिर में शरणागति था। उसी समय दूसरा दिन राजा ने आकर के मंदिर में पहुँचा, बताया हमको दर्शन करा जगन्नाथ जी सिंगर हम कोई बताया नहीं, हमारा प्रभु जी बताया शायद पगड़ी का नीचे है बात। राजा ने आकर देखा पगड़ी बंधा हुआ है, सिंगारा किया जगन्नाथ जी को, पगड़ी हटवाया, हटाओ पगड़ी, देखा शायद केस बाजार से खरीद कर लेके आए लगाया नहीं तो हटाओ केस, हटा नहीं केस। राजा ने सोचा शायद फेब्रिक क्विक लगा दिया होगा, उसको छाटा बाल, जैसे हम लोग बाल है कि पाकि जाएगा अपना बच्चा को नहीं तो बेटी को नाती को पोती को बुलाते भाई एक दो बाल पाक गया उसको खड़ी फेंक दो उसको, इतना ज़्यादा जो पाकि जाए तो उसको बाहर दो हॉस्पिटल जाते कलर करने के लिए, जो एक दो बाल पाकि जाएगा उसको बोलते खड़ी फेंक दो। राजा उसी प्रकार बाल को छाटा, एक बाल को पकड़ा, जब खींचा तुरंत तो वहाँ से खून आ गया। जब खून आ गया राजा ने कहा हे भगवान मेरा तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, भगवान का चरण में अपराध क्षमा प्रार्थना किया, पंडा का चरण में क्षमा प्रार्थना किया, बताया हे भगवान मैं आपको संदेह किया। भगवान गीता में बताया संशय आत्मा विनश्यति, जो भगवान को एवं वैष्णव को संशय करता है संदेह करता है, वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र जयी निंदे हिंसा करे भक्ति विनोद और संवास करे ठाके सदा मन है। बताया जो व्यक्ति भगवान को किंवा किसी वैष्णव को किसी भी प्रकार संदेह करेगा उसका सुनिश्चित विनाश है, पतन हो जाएगा। इसीलिए वैष्णव को भगवान को संदेह नहीं करना चाहिए, मेरा अपराध हो गया मेरे को क्षमा करो। मैं तो पता नहीं था भगवान का इसी प्रकार अवतार है, मैं सोचा था मैं खुद बनवाया भगवान, अरे भगवान का बना सकते हो, बना नहीं सकते। भगवान का जो इच्छा है वही अपना स्वर्ग में हम सुन रहे थे, किसी प्रकार अपना स्वर्ग को अपना विराजमान किया दर्शन कराया भक्त को, वही चीज भी चैतन्य महाप्रभु बताया ईश्वर रे कृपा ले है तो जहारे सही तो ईश्वर तत्व जानी बारे पाए। भगवान का जिसी का ऊपर थोड़ी से भी कृपा होगा वही व्यक्ति भगवान को जान सकता, नहीं तो कोई दर्शन नहीं कर सकता भगवान को।
हम बोलते इतना बड़ा दरवाज़ा खोल दो, बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल दो दर्शन कर देंगे, छोटा दरवाज़ा दर्शन नहीं होता। अरे भगवान का दर्शन करने के लिए बड़ा दरवाज़ा नहीं चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। हम तो दिन में यहाँ पर बैठाते जेब पैसा रखने के लिए, भगवान को रखने के लिए जेब मनाते, भगवान रखने के लिए भगवान का नाम दिल में बिठाओ, भगवान को बिठाओ तब भी भगवान का दर्शन होगा। तभी राजा ने क्षमा प्रार्थना किया, एक बुलवाया एक व्यक्ति, बताया आज से जो खर्च होगा मंदिर भगवान को सेविंग करने के लिए मैं पैसा दूंगा, एक नौकर रख दो सेविंग कर भगवान। अभी भी क्या नाम भूल गया, वहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर में शुक्रवार का दिन भगवान को सेविंग करा जाता है, 2 घंटा लगता है। और कभी कभी क्या नाम बोलते हैं जी, जो सेविंग होता है क्या नाम बोलते, भूल गया नाम था, नहीं नहीं जगन्नाथ जी में सेविंग होता है, कुछ नाम है जगन्नाथ जी का, कुछ नहीं नहीं भूल गया, हटा नाम यह था बर्ण गलागी। अभी भी बनक लागी करने के लिए शुक्रवार का दिन, कभी कभी आप लोग भक्त जो गया हुआ कि अभी 4 दिन पहले श्यामानंद को बता रहा था ना, कोई दोस्त उसका गया मठे में रुका, दर्शन के लिए गया नहीं था, एक दिन श्यामानंद ने उसको गाली दिया, जा दर्शन कर गया, सोचा आ जाऊंगा, किंतु वहां पर गया लिखा वहां पर बोर्ड आ जाता है बनक लागी बेस। अभी श्रृंगार चल रहा है, भगवान को श्रृंगार कर, हम लोग जैसे सभी होते ना भगवान उस पर श्रृंगार करा जाता है, उसको बोलते हैं बन का लागी बेस, 2 घंटा 2.5 घंटा लगता है, दोपहर जो भोग लग जाएगा, भोग लगने के बाद उसको बन का लागी बेस होता है, उसका नाम है बन का लागी बेस, ठाकुर को सेविंग करा जाता है, 2-2.5 घंटा लगता है। उसमें एक पंडा है वो द्वैतापति उसको बोलते हैं, जो मुख्य द्वैतापति है उसी को बन का लागी करता है जगन्नाथ जी। अभी 4 दिन पहले न्यूज में आया था, एक 6 महीने का बच्चा को द्वैतापति बना लिया, अभी 4 दिन पहले न्यूज़ में आया था, वो बच्चा को किसी का पंडा का जो बच्चा है उसी को द्वैतापति बना लिया। अच्छा ये बच्चा था, मैंने बोल रहा था देखो भगवान का क्या लीला है, 6 महीने का बच्चा को भगवान ने स्वीकार किया, भगवान ने कैसे स्वीकार किया, ये जब बड़ा होगा ये श्रृंगार सीखेगा ये मेरे को श्रृंगार करेगा, भगवान का कैसे लीला देखो। 4 दिन पहले न्यूज आया था उड़िया में, श्यामानंद बहु मैंने दिखाया उसको, वही व्यक्ति उसे श्रृंगार करता। अभी भी राजा ने तब से एक व्यक्ति दे दिया धर्मा दे करके, भगवान को सेविंग करा जाएगा, तभी भी भगवान का अभी भी जगन्नाथपुरी में उसको श्रृंगार करा जाता है। और भगवान का जो रूप है वही जो कृष्ण है, वही चैतन्य महाप्रभु है, वही जगन्नाथ है, जगन्नाथ का तो अपूर्व अनेक लीला है, मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं, जो थोड़ी से पता था बोल दिया, जब कुछ गलत हो गया पहले अपना बच्चा सोच करके क्षमा प्रार्थना मेरा मेरे क्षमा कर देना। सुखदेव गोस्वामी जो बोले नहीं, बोले नहीं 16 साल तक, लेकिन एक बार जो मुंह खोला ना 7 दिन तक बंद नहीं किया, इसलिए हम सोच रहे थे अरे श्याम सुंदर प्रो आज बोलने के लिए श्रद्धा जी करके आए, बोला आज मैं बोलूँगा, हम आज आप 5 मिनट बोल दो, समय हो गया, आज हमारे को मीटिंग है, आ जाए। और हमारे दीदी भी श्रद्धा जी करके आई, बोले कल बोलो, ठीक है शाम में कल अच्छे तरह से, आज क्या क्या सजा कर लेंगे, हाँ सर श्लोक उसका मीनिंग मैंने जो एक श्लोक बताया था लब्ध सुधर लभ, उसका मीनिंग भी याद किया मैंने जो बात बताया तो उसकी याद किया ना। आप सबके चरणों में अनंत गुरुदेव का आदेश, जिस तरह गुरुदेव कहते हैं ना हम लोगों को कि भजन करो भगवान के
भक्ति करूँ। इसी प्रकार ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को कहा कि भगवान का भजन करो, और भजन भी कैसा, तपस्या कैसी, दिव्य दिव्य तपस्या करो। दिव्य तपस्या कैसी होती है, ये केवल राम कृष्ण और विष्णु के जो भक्ति होती है उसको दिव्य कहते हैं। और तपस्या को हिरण्य कश्यप ने की, इतिहास आगे नहीं हो, सबसे ज्यादा 36,500 वर्ष अंगूठे के बल पर हाथ ऊपर खड़े कर हिरण्य कश्यप ने तपस्या की, लेकिन फल क्या मिला, कुछ नहीं। केवल मैं मरू ना, मैं जल में ना मरू, फल में ना मरू, ऋतु में ना मरू, राग में ना मरू, तो मरेंगे कैसे, सोचने वाली बात। लेकिन भगवान बैठे हैं, और जब हिरण्य कश्यप को मारने के लिए भगवान जी प्रकट हुए, तपस्या की थी हिरण्य कश्यप ने ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी निकट में आए, इधर नरसिंह महाराज की नजर लगाए ना, उधर से इधर देखे तो उधर, वो उसको बचाने के लिए शिष्य था, बचाने में आए, तो ऐसी तपस्या का कोई फल नहीं। रावण ने तपस्या की, जगत जननी माता सीता का अपहरण कर लिया, और कंस दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसका हृदय तो शुद्ध नहीं हुआ। तो हृदय तो शुद्ध होगा, वो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने दाना हमें दी है, और वो बहते बहते हमारे गुरुदेव ने हम तक पहुंचा रहे हैं, उसी के द्वारा ही हमारा जो है हृदय शुद्ध होगा। और बस भक्ति वाणी लोग का करेंगे, ठीक है, अब कल बोलेंगे, अब कब का आप लोग का मंदिर है, जल्दी आ जाए, ठीक। बोले हरे कृष्ण हरे महादेव। कल परसों जो है ना, परसों एक विशेष तिथि है, मैंने बताया था ना, बहिरा पंचमी, माँ लक्ष्मी जगन्नाथ को ढूंढने के लिए जाएंगे, बोल रहे थे दो दिन बाद में आ जाएंगे, लेकिन 5 दिन हो गया अभी तक नहीं आए, और ढूंढने कैसे जाएंगे। बड़ी सुंदर लीला है, महाप्रभु कैसे भक्तों के साथ में वो लीला को कैसे दर्शन करते थे, वो परसों हम ये कथा सुनेंगे। अब परसों भी प्रसाद की व्यवस्था करेंगे, बोले बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ प्रसाद की व्यवस्था नहीं करेंगे, ठीक है। एक महाराज अनाउंसमेंट लिख लिया। हरे कृष्णा, प्रभु जी हमें बता रहे थे गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए। हमारी दीदी ने बहुत अच्छी सुंदर स्वस्थ गौ माता प्रदान की थी दर सेवा में, और वो अभी नीचे गौशाला में कुछ लोगों ने उसको बाहर निकालने का प्रयास किया, तो हमने पास में ही ये फाटक के पास रखवाई हुई है। वहाँ आप सबसे निवेदन है, कोई भी यदि गौ माता के लिए सेवा करना चाहता है, फल चूरी भूसी इत्यादि देना चाहता है, वो उसे छत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त जो मंदिर सेवा चल रही है उसमें जो भी सेवा आप देते हैं या देंगे, श्री पाद अपने ब्रह्मचारी जी ये श्यामानंद प्रभु जी को दीजिए आप डायरेक्ट, या फिर प्रमोद जी को दीजिए, कोई असुविधा नहीं है। और जो मंदिर निर्माण के लिए है वो हमारे प्रभु जी बलराम प्रभु जी को दीजिए, या महाराज जी को दे सकते हैं, वो अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसमें कोई असुविधा नहीं है। ये सारी बात, इसके अलावा अभी कीर्तन करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण बोला। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम।
सचिनंदन गौर हरि की प्रभुपाद की पिता गौर प्रभाव की। जब आप लोग प्रसाद लेकर के आम सेम बना हुआ प्रसाद लेकर के सब हाँ हरे कृष्णा। हाँ देखो और एक बैठो, एक प्रश्न करता हूँ। देखो बैठो सुन लो, ये आप लोग बताना। जैसे अभी कथा करते करते करीब करीब 8:30-9 बजे से पहले ख़त्म नहीं होता है क्योंकि आरती होती है, लेकिन हम चाहते हैं ये जितने सारे प्रोग्राम ये 8 बजे को अंदर विश्राम हो जाए। 8 बजे को अंदर कौन कौन चाहते हो 8 बजे अंदर में कथा विश्राम हो जाए? हाथ में हो गए सब। नहीं मैं बता रहा हूँ ये कौन चाहते हैं 8 बजे के अंदर हो जाए। हाँ देखो देखो ये बात सुन, ये हो सकती है, लेकिन अगर कथा को हम यहाँ पर कथा को शुरू करें 7 बजे से थोड़ी देर पहले शुरू करें और उसको 7:30 को अंधेरे में कथा को हम विश्राम दे दें। कितना बजे? 7:30 बजे कथा को विश्राम हो जाए, फिर आरती 15-20 मिनट लगेगा, फिर आप लोग उसको बाद में आप लोग जा सकते हैं, लेकिन आपको कथा में आना पड़ेगा। कितना बजे? करीब करीब 6:30 बजे अगर आ जाओगे पहले कथा हो जाएगी, पहले कथा हो जाएगी उसके बाद आरती, फिर 8 बजे आप लोग, क्योंकि कुछ कुछ माताएं दूर जाती हैं, कुछ कुछ माताएं दूर तक जाती हैं, हम चाहते हैं टाइम पर अगर चले जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों को घर का काम धाम करना पड़ता होगा, रोटी बना करके पतियों को सबको बच्चों को रोटी भी देना पड़ता होगा, इसलिए आप चाहते हो सर्दी में, जैसे पहले सर्दी में ऐसे होता था ना, पहले आरती से पहले कथा विश्राम हो जाती और सबके सब चले जाते, लेकिन अभी देखता हूँ जितने मैं कोशिश करता हूँ 8:30 अंदर में विश्राम हो जाए, लेकिन समय हो ही जाता है, देखता समय हो ही जाता है। हाँ 9:30 बजे हाँ ये ठीक है कुछ दिन ऐसे चले, लेकिन कुछ दिन बाद में जब ठंडा का समय आ जाएगा ना फिर आप कोशिश 8 बजे अंदर में चले जाओ। अभी तुम तो लेट में आ रहे हाँ, इसलिए ठीक है, हम कोशिश करेंगे, हम तो कोशिश करते हैं लेकिन तब लेट हो जाता, ठीक है। लठिया साथ में ठीक है, अब कुछ दिन बाद में थोड़ी सी, ये अभी बहुत गर्मी है ना, थोड़ी सी हो जाए फिर आप शुरू कर देंगे, ठीक है। आप लोग 7 बजे आ सकते हो सबके साथ? कौन 7 बजे आ जाएगा? अगर 7 बजे आ जाओगे ना फिर हम कल कोशिश करेंगे जैसे ये कथा हो जाए उसके बाद में आरती होकर चले जाओ, ऐसे कर सकते। 7 बजे आ जाओगे? कौन कौन आ जाएगा 7 बजे? हाँ देखो नहीं अभी हम परसों ये है ना हेरा पंचमी परसों है, हम तरसों से करेंगे, ठीक है। अभी 2 दिन ऐसे ही हो जाए, कल और परसों भंडारा है, फिर उसके दिन हम अनाउंसमेंट कर देंगे सबको, फिर उसको बाद में फिर हम कर देंगे, ठीक है।
ठीक है आप लोग जाओ, मैं बस सिर्फ पी करके लोग